मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को न देने के फैसले का स्वागत किया है। मंडी में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान के कायराना हरकत का केंद्र सरकार हर स्तर पर करारा जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो जलसंधि हुई है उसका कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। अभी भारत सरकार पानी रोकेगी जो पानी भारत के हिस्से का था और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर रहा था। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बाद भविष्य के बारे में सोचा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ की गई जलसंधि पर क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है उसका हर स्तर पर करारा जवाब दिया जाएगा। और मैं उस दृष्टि से समझता हूं कि जो नितिन गडकरी जी ने बात की है आज की तारीख में इसकी भी आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि हमारे भारत के हिस्से का पानी हम उसका भी उपयोग पूरी तरह से नहीं कर रहा, वो पानी भी वहाँ जा रहा है। हमने ये नहीं कहा कि हम संधि का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने एक ही बात कही है कि उस सारी बात को बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम जो हमारे अधिकार का जो हिस्सा बनता है, पूरे देश का पानी का जो हिस्सा बनता है, उस हिस्से को लेने को हमको अधिकार है, उसको लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिला में हिमस्खलन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी इस कारण एक जवान की मौत हो गई है, जबकि 5 जवान अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब मौसम साफ हो गया है और जवानों की तलाश का अभियान शुरू कर दिया गया है। जयराम ठाकुर ने दुआ की है कि सभी जवान सुरक्षित होंगे और उन्हें जल्द ही रेस्क्यू करके निकाल लिया जाएगा। दुखद समाचार हमको ये किन्नौर का मिला है। पिछले 4 दिनों से लगातार मौसम बहुत खराब होने की वजह से उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लगे हैं। आर्मी भी है और आईटीबीपी के जवान भी हैं और हिमाचल प्रदेश का प्रशासन भी उसमें पूरा सहयोग उसमें कर रहा है। अभी तक एक जवान का शव प्राप्त हुआ है, बाकी 5 जवानों की सूचना मिली है कि वो वहाँ पर ग्लेशियर में फंसे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं सब ठीक हो, लेकिन उसके बावजूद जैसे मौसम ठीक होता आज मौसम ठीक हुआ है। आज हम उस सर्च ऑपरेशन को जो है और इंटेंसिफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो जवान फंसे हैं उनको किसी भी तरह निकाला जाए। इस मौके पर उनके साथ सांसद रामस्वरूप शर्मा, जिला के अन्य प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। पोलस्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।